हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है इंडिया में से क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ की शादी होती है तो उसके बाद क्या करते हैं लोग, जैसे कि वाइफ को बाहर भेज दिया फॉरेन कंट्री और हस्बैंड यहाँ पर रह रहा है, उसके बाद फिर वाइफ के द्वारा हस्बैंड को बुलाया जाता है ओपन वर्क परमिट। तो यहाँ आज हम इसी मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों मैरिज करने के बाद फॉरेन कंट्री जाकर सेटल होना चाहते हैं, एक पर्सन जा रहा है दूसरा पर्सन इंडिया में रह रहा है, तो अगर एक भी पर्सन ने फॉरेन कंट्री में या फिर इंडिया में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी तो उनको परमानेंट रेजिडेंसी लेने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी गलती ना करें। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि अगर आप गलती करते हैं तो आपको क्या क्या हर्जाना भरना पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया में मोस्टली यही देखा जा रहा है कि लड़का और लड़की दोनों की शादी कर दी जाती है और लड़की को बाहर कनाडा भेज दिया और जो लड़का है वो इंडिया में रह रहा है, कोई भी काम कर रहा है, उसके बाद फिर उसे ओपन वर्क परमिट मिलता है, ओपन वर्क परमिट के थ्रू वो द्वारा कनाडा जाता है। तो आपने कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने जा रही हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि क्या होता है, लड़के ने लड़की के साथ शादी की और लड़की को अपनी वाइफ को उसने कनाडा भेज दिया, उसके बाद वो जो लड़का है उसका हस्बैंड है वो इंडिया में अपना काम कर रहा है, जहाँ पर काम करते किसी वक्त भी बाय चांस कोई रोड एक्सीडेंट हो गया उसके उससे, तो उस रोड एक्सीडेंट में किसी की जान चली गई, किसी की मौत हो गई, तो उस लड़के को सजा हो गई, तो इसका हर्जाना क्या भुगतना पड़ेगा, इससे क्या होगा, जो उसकी वाइफ है कनाडा में रह रही है उसे परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके हस्बैंड की जो पुलिस रिपोर्ट है वो सही नहीं पाई जाएगी। तो इसमें क्या होगा, जो उसकी वाइफ कनाडा में रह रही है जहाँ तो उसको इंडिया में वापस आना पड़ेगा और जहाँ फिर उसे अपने इंडिया में रह रहे हस्बैंड को डिवोर्स देना पड़ेगा। तो इसका इतना बड़ा हर्जाना भरना पड़ सकता है। एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ कि शादी के बाद क्या होता है, जैसे हस्बैंड या वाइफ में से एक भी पर्सन कनाडा चला जाता है, जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड कनाडा चले गए हैं और वहां जाकर क्या किया, वहां जाकर उसने लड़ाई झगड़ा कर लिया किसी के साथ और उसके ऊपर कनाडा क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हो जाता है, तो इससे क्या होता है, जो इंडिया में उसकी वाइफ रह रही है उसे कनाडा जाने के लिए ओपन वर्क परमिट नहीं मिलता जब तक कोर्ट की तरफ से पार्डन नहीं दी जाए, तो ये हर्जाने आपको भरने पड़ सकते हैं। तो ऐसी गलतियां आप ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट अपने कनाडा में दाखिले के लिए एप्लीकेशन लगाता है तो उसमें वो स्टेटस शो करता है सिंगल, तो वो अपने वीजा एप्लीकेशन में मैरिड स्टेटस नहीं शो कर सकता, इन शॉर्ट जब तक वो कनाडा एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ जाता तब तक वो शादी नहीं कर सकता। नहीं तो ये हाल जो आपने बेंत कौर का केस देखा है ऐसे हाल मोस्टली हो जाते हैं, तो ऐसी गलतियां ना करें। ऐसा करने से आपके पैसे का नुकसान होगा और आपको बड़े बड़े हर्जाने भी भरने पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ये हमारे जो नुमाइंदे कनाडा में रह रहे हैं उनके एक्सपीरियंस के आधार पर ही हम बना रहे हैं ताकि आपको ये जानकारी मिल सके और आने वाले फ्यूचर में जो बच्चे आना चाहते हैं कनाडा वो ये गलतियां ना करें, क्योंकि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। अगर आप हमारे कनाडा ऑफिस में और बात करना चाहते हैं इसी विषय के रिगार्डिंग या फिर अपने किसी वीजे के रिगार्डिंग बात करनी है तो आप हमारे ऑफिस में बात कर सकते हैं। कनाडा ऑफिस का आप नंबर नोट कर सकते हैं 1604-765-5008। इस नंबर पे आप कनाडा के टाइम दिन के टाइम संडे को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक बात कर सकते हैं, क्योंकि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप सीधा रास्ता अपना कर कनाडा जाकर सेटल हो सकें और आपके साथ कोई धोखा ना हो, आप कोई गलती ना करें। सो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो सभी बच्चों तक पहुँचे और उन बच्चों को ये जानकारी ज़रूर मिले जो बच्चे अभी जाना चाहते हैं शादी करने के बाद, वो बच्चे ये गलतियाँ ना करें। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।